हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स, जो पीछे वाले जो आंख के क्वेश्चन है वो वाले करने वाले हैं। ठीक है, तो इनमें हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन को मैं रीड कर रहा हूँ कि क्या उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर वन आपको दिया गया है, एक ही आकृति की दो तरंगों के आयाम दो अनुपात एक में। ठीक है, एक ही आकृति की दो तरंगे हैं, उनका आयाम का अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले आपको कोई भी, यदि आप न्यूमेरिकल करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना होता है दिया गया है। तो दिया गया क्या है आपको, एक तो आयाम दिया गया है, यानी ई एम वन और ई एम टू की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात दे रखा है, तो ई एम वन अपॉन टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दो अनुपात एक, इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के मध्यम एवं न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयामों का अनुपात यानी मैक्सिमम, यानी कि आपको ई एम मैक्सिमम और ई एम मिनिमम, इन दोनों का अनुपात भी आपको ज्ञात करना है, और एक आपको आई एम वन और आई एम टू, ये भी मैक्सिमम और मिनिमम, इनका भी आपको अनुपात ज्ञात करना है। ये दो चीजें आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, हम जानते हैं कि ई एम मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो मान होता है वो क्या होता है, ई एम वन प्लस ई एम टू के रूप में होता है, और ई एम मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ई एम वन माइनस ई एम टू, यानी कि इसके माइनस के रूप में होती है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो ज्ञात करना है हमें, अतः हम ये लिखें, यानी कि ई एम वन मैक्सिमम, वन और टू कर दे वही, ना नहीं सही है, ई एम मैक्सिमम अपॉन ई एम मिनिमम। ठीक है, दोनों के मान रख दीजिए, एम वन प्लस ई एम टू अपॉन ये रहा ई एम वन माइनस ई एम टू, दोनों में जो कॉमन है वो ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास में जो वैल्यू है वो इस रूप में है, और इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ई एम वन अपॉन ई एम टू इज इक्वल टू टू अपॉन वन, यानी कि हमारे पास में ई एम वन अपॉन ई एम टू की वैल्यू है, बट ये सब चीजें यहाँ प्लस में है, इसलिए आपको इनको चेंज करना पड़ सकता है, यानी कि हम चेंज करने वाले हैं। तो क्या हो गया, ई एम मैक्सिमम अपॉन ई एम मिनिमम इज इक्वल टू, यहां से मैं ई एम टू कॉमन ले लूं, ठीक है, या इसे डिवाइड कर दूं, तो इस प्रकार से हो सकता है ई एम टू से मैं डिवाइड कर दूं, तो ई एम वन अपॉन ई एम टू प्लस वन, और नीचे हो गया ई एम वन अपॉन ई एम टू माइनस वन। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, इस और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो रख दीजिए वैल्यू, तो हमारे पास में वैल्यू ये आ गई, ई एम मैक्सिमम अपॉन ई एम मिनिमम इज इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस वन और टू अपॉन वन माइनस वन। सोल्व कीजिए इसको, तो ई एम मैक्सिमम अपॉन ई एम मिनिमम इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन। ठीक है, तो इनका जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया, ई एम मैक्सिमम मैथम अधिकतम, और अनुपात ई एम मिनिमम इज इक्वल टू थ्री अनुपात वन। ठीक है, अब अगेन आपको क्या करना है कि इनकी तीव्रताओं का जो रेशियो है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो तीव्रता की अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये रही आई एम मैक्सिमम अपॉन आई एम मिनिमम। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो तीव्रता होती है वो उसके आयाम की क्या होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी केस फर्स्ट में भी आपने देखा था कि इस प्रकार से अनुपात के रूप में लिख रखा था, बट वो वन और टू के अनुपात था, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम का आपको रेशियो करना है। ठीक है, तो आई मैक्सिमम, तो इसका जो मैक्सिमम आयाम है वो कौन सा है, ई एम मैक्सिमम होगा, मिनिमम है तो उसका मिनिमम क्या है, ई एम मिनिमम आयाम है। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात
यानी कि ई एम मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन ई एम मिनिमम का स्क्वायर, या दोनों के होल स्क्वायर कर सकते हो एक बात है, ठीक है। तो हमें ई एम या फिर इस प्रकार से लिख देंगे, कम करो तो मैं स्क्वायर लगा दीजिए सीधा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 3/1 है, तो रख दीजिए 3/1, ये हो गया आई एम अपॉन आई एम, ये तो मैक्सिमम और ये क्या हो गया मिनिमम, ठीक है। ये हो गया 3/1 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/1, यानी कि आंसर कितना आ गया इनका, 9/1, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका जो क्वेश्चन है आप बुक से देखकर आप लिख ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये दे रखा है कि आपके पास में दो तरंगे हैं और दो तरंगे हैं अध्यारोपित होती हुई व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करती हैं, तो उसकी तीव्रता, उसकी जो परिणामी जो तरंग की तीव्रता है उसकी आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता आपको कब कब ज्ञात करनी है, जब कलांतर फाइव बराबर जीरो हो, जब कलांतर पाई बाई टू हो और कलांतर क्या हो, पाई हो, यानी कि 180 डिग्री हो। और आपको यह भी साथ में दे रखा है कि जो तरंग 1 है उसकी जो तीव्रता है I1 = I है, और जो दूसरी तरंग है I2 उसकी वैल्यू है 4I, यानी कि इसकी 4 गुना है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है और आपको ज्ञात क्या करना है कि आपको तीव्रता यानी कि I का मान ज्ञात करना है। कब कब करना है, जब I का मान 0 हो, इतना हो और इतना हो, ठीक है। तो हम पहले वाली कंडीशन ले रहे हैं कि जब I = 0, यानी कि कलांतर क्या हो, 0 हो। I क्या है यहाँ पर, I क्या है, कलांतर है, कलांतर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, परिणामी तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता, तो I का फॉर्मूला क्या है, I = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos φ, ठीक है। तो अब यहां पर आपको करना क्या है कि इस फाई की जगह आपको पहले जीरो रखना है, फिर पाई बाई टू रखना है और फाई बराबर पाई रखना है। कर लोगे आप अपने आप, ठीक है, एक केस में कर रहा हूं, दोनों केस आपको करना है, ठीक है। तो आई जी क्वेश्चन क्या हो गया, I1 + I1 और I2 की वैल्यू रख दीजिए, I की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू I है, इसकी वैल्यू कितनी है 4I, ठीक है, = 2√, ये हो गया I और ये 4I, ये 4I और cos फाई, फाई का मान कितना है 0, cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये क्या हो गया I = इसको R मान ले भाई, परिणामी रिजल्ट IR, ताकि ये I और ये I क्या नहीं हो, मिक्स नहीं हो, ताकि अलग दिखे ना। तो I ये कितना हो गया 5I प्लस ये 2, ये हो गया 4I का स्क्वायर, इसका अंडर रूट और इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया IR = 5I + 2 और (2I)/1, तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4I और ये कितना हो गया IR = 9I, जो आपको तीव्रता दे रखी है I, ठीक है, इसका कितना गुना है 9 गुना, ठीक है। यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास में जो फॉर्मूला था, हमने जो पीछे डेरिवेशन किया था, तब हमने आई का फॉर्मूला ये रखा था, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख रहे हैं, आई आर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आई वन और आई टू की वैल्यू है हमें वो आई के रूप में दे दी है, और आई के रूप में देने के पश्चात हम यदि इधर भी आई इधर भी आई लिखें तो वो मिक्स हो जाएंगे, आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है, आर फॉर रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। अब आपको आगे वाले केस में क्या करना है, इस कॉस की जगह आपको मान चेंज करना है, सेम प्रोसेस ये रहेगा, कोस की जगह आपको क्या रखना है पाई बाई टू रखना है, और कोस पाई बाई टू का मतलब होता है 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, ये 0, तो ये वाली टर्म क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। बचा क्या है ओनली ये, यानी कि सेकंड कंडीशन में आई आर इजी कुछ तो कितना हो गया 5I। फिर थर्ड केस में फाई की जगह आपको क्या रखना है पाई रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाई रख दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है कोस पाई, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चेंज किसका आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, किसका आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा I R = 4 हो गया, यानी कि IR = I, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो कंप्लीट हो गया, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ गिवन डाटा जो मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि आपके पास में एक व्यतिकरण प्रतिरूप है, उस व्यतिकरण प्रतिरूप में दोनों छिद्रों और पर्दे के बीच की दूरी हो 1 मीटर है,
पर्दे पे जो फ्रिंज बन रही है उस फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है, और जो दोनों स्लिटों से जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी जो तरंगदैर्ध्य है वो 5000 एंगस्ट्रोम है, तो आपको इन दोनों प्रकाश स्रोतों की जो मध्य दूरी है वो ज्ञात करनी है, यानी कि आपको दोनों प्रकाश स्रोतों की मध्य दूरी है वो ज्ञात करनी है, यानी कि S1 और ये S2, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो क्या है d, ये पर्दा, इसकी ये वाली जो दूरी है वो क्या है कैपिटल d, ठीक है, यहाँ पे जो भी फ्रिंज बन रही है और इन फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो क्या है आपकी बीटा, और यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश क्या है आपका उसकी जो तरंगदैर्ध्य वो क्या है लैम्डा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे d की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम जानते हैं सूत्र से, यानी फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र आपके पास में क्या है, फ्रिंज चौड़ाई, चाहे आपकी दीप्त फ्रिंज हो या दीप्त फ्रिंज हो, सबके लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या रहती है सेम, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है लेमडा डी अपॉन ये स्मॉल डी, हमें स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा को आप उधर लेके जाए तो लेमडा डी अपॉन बीटा, ठीक है। अब इसमें इसके सबके क्या कर देंगे, मान रख देंगे। फिर आपको सबसे पहले जो एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है वो है इनकी जो ये मान है वो चेंज करने, आपको इनके मान है वो चेंज करने, यानी कि आपको ऐसे यूनिट में बदलने हैं, ठीक है। ये मीटर में है, ठीक है, चलेगा। ये बीटा की इसमें मिलीमीटर में है, उसको आपको चेंज करना, कि ये मिली को हम यदि चेंज करें, मिली का मतलब होता है 10^-3, और ये मीटर का मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को आपको मीटर में चेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए ये तो आपका 5000 यानी 5000, और एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं 10^-10 मीटर से, तो कुल मिलाकर ये बात कहाँ तक आ गई, यानी कि 5 × ठीक है, यहाँ से ये 300 यदि हम इससे कैंसिल करें तो हो गया 5 × 10^-7 मीटर, ठीक है। ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए आप, तो डी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, तो डी इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू रख दीजिए 5 × 10^-7, ठीक है। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 1, तो × 1 अपॉन बीटा, तो बीटा की वैल्यू है 1 × 10^-3, तो ये आपके पास में आंसर ये आ गया डी इज इक्वल टू 5 × 10^-4, ठीक है। इसको यदि आप अपने बुक के आंसर के अनुसार यदि चेंज करना चाहें कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5 × 10^-1 × 10^-4, तो ये 1 ये 4 कैंसिल हो गया है यहाँ से, ठीक है, 1 पावर 1 5 का जाएगी कम हो जाएगी, तो 0.5 × 10^-3, ठीक है। और तो ये क्या हो गया डी 0.5 और 10^-3 को इसको लिख सकते हैं मिली, और ये आपका मिलीमीटर, यहाँ पे सब मीटर आएगा, ठीक है, तो डी इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 की आप फटाफट रीडिंग लगाएं, उसके पश्चात आगे का वीडियो देखें, एक बार स्टॉप कर दें वीडियो को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि आपके पास में कोई इस प्रकार का व्यतिकरण प्रतिरूप है, एकल छिद्र है, और इस छिद्र की जो चौड़ाई है वो दे रखी है आपको a, a की वैल्यू रही। फिर यहाँ पे पर्दा है, पर्दे पर आपको जो केंद्रीय फ्रिंज मिलती है, और केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर आपको जो प्रथम दो निम्निस्थ है उनकी कोणीय स्थिति का आपको पता करना है, ठीक है। और यहाँ पर इस पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो क्या है, विलंब होते, इसके लंब आपतित हो रहा है, और जो प्रकाश यहाँ पे आपतित हो रहा है उसकी तरंगदैर्ध्य आपको दे रखी है, कहने मतलब आपको कोणीय स्थिति ज्ञात करनी है, यानी थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 5500 × 10^-10 मीटर, इसको चेंज कीजिए आप, ये दो काउंट कम कर दें तो 5 × 10^-8 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो −10^-2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 10^-5 × 10^-2 मीटर, ये नहीं हो गया 2 × 10^-7 मीटर, ठीक है। प्रथम दो निम्निस्थों की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी कि आपको थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। किसी कोणीय स्थिति के लिए यदि हम ज्ञात करें तो यहाँ पे हमारे पास में सूत्र आया था कि साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन ए, ठीक है। एकल छिद्र फोर्नो पर विवर्तन वाला जो डेरिवेशन कर रहे थे उसमें इस प्रकार का एक फॉर्मूला आया था, यानी कि एनवे निम्निस्ट के लिए, ठीक है। तो हमें प्रथम और द्वितीय निम्निस्ट के लिए चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 के प्रथम के लिए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि लेमडा अपॉन ए, यानी कि थीटा 1 इज इक्वल टू कौन स्थिति, यानी थीटा की वैल्यू याद करनी है तो साइन इनवर्स
लेमड़ा अपॉन ए, लेमड़ा और ए दोनों की वैल्यू दे रखी आपको, तो थीटा वन इज इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स, लेमड़ा की वैल्यू रख दीजिए आप 55 × 10⁻¹, और ये कितना है 22 × 10⁻¹। ठीक है, कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए, साइन ये 11 से कटता है यानी कि 5/2 × 10⁻¹। ठीक है, इसमें इसको डिवाइड कीजिए तो थीटा वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये हो गया 2.5 × 10⁻¹। ठीक है, माइनस वन हटाओगे तो पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो गया थीटा वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये हो गया 0.25। ठीक है, तो थीटा वन की वैल्यू आपको क्या आती करनी है। फिर आपको द्वितीय प्रथम द्वितीय निम्निष्ट के लिए, तो प्रथम द्वितीय निम्निष्ट के लिए यानी थीटा टू की वैल्यू याद करनी है, तो थीटा टू इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे एन की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 2λ/a और यहाँ पे साइन इनवर्स, तो थीटा टू इज इक्वल टू 2 × λ की वैल्यू वही 10⁻¹। आप जल्दी जल्दी देखें 2 × 10⁻¹, तो थीटा टू इज इक्वल टू कितना हो गया, ये इससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो 5 × 10⁻¹, तो थीटा टू यहाँ पे साइन इनवर्स लिख लेना भैया, तो साइन इनवर्स ये हो गया 0.55, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0.55। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हाँ कोणीय स्थिति ने इसको मात्रक भी लिख देना, थीटा का जो मात्रक होता है वो क्या रेडियन, ये भी रेडियन और एक और कहाँ आया था है ना, और ये भी रेडियन। ठीक है, कोणीय स्थिति क्या है थीटा की वैल्यू है वो रेडियन में है। देखिए आपके पास में दो पोलराइड है, ठीक है, दो पोलराइड है, मान लीजिए कि एक पोलराइड ये है और दूसरा पोलराइड ये है। ठीक है, इन पर प्रकाश आपतित हो रहा है और इन दोनों प्रकाशों से जो निर्गत प्रकाश है, ठीक है, ये निर्गत प्रकाश है, निर्गत प्रकाश इसकी जो तीव्रता है वो क्या है मैक्सिमम दे रखी आपको, ठीक है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कब होगी जब दोनों पोलराइड में जो प्रकाशीय कक्ष है वो एक दूसरे के क्या होंगी समांतर होंगी इस प्रकार से। फिर आपको क्या कह रहा है कि इन दोनों पोलराइडों में से किसी एक पोलराइड को हम क्या करते हैं घुमा देते हैं, कितना कितना घुमा देते हैं 30 डिग्री घुमा देते हैं और उसके पश्चात 90 डिग्री घुमा देते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है आई की वैल्यू वो आपको ज्ञात करनी है दोनों में, और आपको यह बताना है कि किस स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, यानी कि जब इस पोलराइड को हम यहां से इसके साथ 30 डिग्री घुमाएंगे तब ज्यादा होगी या फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तब ज्यादा होगी, तो वो वाली कंडीशन भी आपको ज्ञात करनी है। तो हम मेल्स का नियम जानते हैं, तो मेल्स नियम से, मेल्स नियम से यानी कि किसी भी पोलराइड से जो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है आई इज़ इक्वल टू क्या होती है आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, थीटा यहां पर हम इसको क्या मान लेंगे ध्रुवक और इसको क्या मान लेंगे हम विश्लेषक। ठीक है, तो इनकी दो प्रकाशीय कक्ष है उनके मध्य बना कोण, यहां पर दोनों प्रकाशीय कक्ष दोनों के समांतर है, अब इसको इसके साथ में क्या कर दें यानी कि इसको इसके साथ में हम घुमा दें कितना, पहले 30 डिग्री घुमा दें फिर इसको क्या कर दें 90 डिग्री घुमा दें, अलग अलग कंडीशन। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपको देखना है जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया आई नॉट कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे कोस 30 का मान रख दीजिए, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट और कोस 30 यानी कि कोस 30 का मान होता है √3/2, ये हो गया √3/2 और इसपे क्या है होल स्क्वायर, इसपे क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट ये हो गया 3/4। कहने का मतलब है जब हम 30 डिग्री इसको घुमाएं आई को 30 डिग्री पे घुमाएं जब जो तीव्रता मिल रही है वो कितनी है 3/4 आई नॉट। ठीक है, इसके पश्चात आपको 90 पे घुमाना है इसको जब थीटा इज इक्वल टू 90 हो। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर ऐसे लिख दूं एक बार, ये क्या हो गया 0, तो आई क्या हो गया 0। ठीक है, अतः आपको लिखना है अतः 30 डिग्री घुमाने पर ज्यादा तीव्रता प्राप्त होगी। ठीक है, सिंपल आ गया होगा समझ में।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर सिक्स की रीडिंग लगा ली होगी आपने, वहां पे आपको ये बता रखा है कि ये अपना क्षितिज है, ठीक है, ये अपना क्षितिज है, और क्षितिज के साथ जो सूर्य है, ये मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तो क्षितिज के साथ जो सूर्य है यहाँ पर वो 37 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये पानी की स्तर है, किसकी है, यहाँ पर क्या है, पानी है, तो ऊपर वाली क्या होगी, पानी की स्तर होगी। अब यहां से यदि ये सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, इस पानी की स्तर से सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, परावर्तित होकर इधर जा रहा है, तो ये आपको क्या मिलेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, क्या मिलेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस पानी का जो अपवर्तनांक है n, वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तब इतना आपको लिखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर हम परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कर रहे हैं, और इसके नियम को हम क्या बोलते हैं, बुष्ट का नियम भी बोलते हैं, और यहां पर यह वाला कोण क्या है, आपतन कोण क्या होगा, आईपी, ठीक है। तो यह वाला भी क्या हो जाएगा, आईपी, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आईपी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, यानी कि पूरा एंगल कितना है, 90 में कितना कितना 37, तो 90 - 37 यानी कि आईपी इक्वल्स टू कितना हो गया, 53 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यही है आईपी की वैल्यू ज्ञात करनी, उसके पश्चात हम जानते हैं कि अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो बुस्टर के नियम से, ठीक है, या फिर बुस्टर कोण का जो फॉर्मूला है वह लगा दीजिए, यानी कि क्या होता है, tan IP इज इक्वल टू अपवर्तनांक n, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू चाहिए, तो tan IP की वैल्यू कितनी है, 53 डिग्री, तो 53 डिग्री इज इक्वल टू n, ठीक है। तो n यानी कहता है अपवर्तनांक, अतः अपवर्तनांक n, तो 53 डिग्री का मान आप लिख दीजिए, याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, कुछ एक मान होते हैं उनके मान आप याद कर लोगे, यानी 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 1.3270 एंड मोर, ठीक है, बट आपको इतने ही डिजिट लिखने हैं, यदि आप इनको थोड़ा और रिरेंज करके लिखें तो n जो नियर अबाउट है वो कितना होगा, 1.33, ठीक है। तो पानी का अपवर्तनांक कितना हो गया, 1.33, और अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 7 की फटाफट रीडिंग लगाएं। अब आप लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो ध्रुवक या दो विश्लेषक या एक ध्रुवक और एक विश्लेषक इस प्रकार से मान सकते हैं, जो दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर व्यवस्थित है, और उनसे जो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस सेंटेंस से ऊपर वाले जो क्वेश्चन की जो सेंटेंस है उससे हम क्या लिख सकते हैं, मेल्स के नियम से क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, समांतर है तो समांतर के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री, हमेशा याद रखें, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, आई नॉट, जो तीव्रता है वो मैक्सिमम कितनी है आपके पास में, I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, आई नॉट है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि इस एक ध्रुव को हम कितना घुमाएं, इसको हम एक को कितना घुमाएं, ठीक है, ताकि इनसे जो निर्गत तीव्रता है वह मैक्सिमम की चौथ 1/4 रह जाए, यानी कि x की 1/4 रह जाए, 1/4 का मतलब होता है 1/4 रह जाए, 1/4 किसका रह जाए, जो यहां से निर्गत हो रही है, निर्गत कितनी हो रही है, आई नोट की कितनी रह जाए, 1/4 रह जाए, ठीक है। तो यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो जाए, आई नोट की वैल्यू कितनी हो जाए, 1/4 आई नोट, यानी कि जो बाद में रिजल्ट आएगा आई, उसकी वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है इस बात को। तो अब आप यहां पर मेल्स का नियम लगा दीजिए, मेल्स के नियम से तो मेल्स का नियम क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम ये जो मेल्स का नियम लगा रहे हैं कौन सी कंडीशन के लिए लगा रहे हैं, सेकंड कंडीशन के लिए लगा रहे हैं, यानी उसको घुमाने के पश्चात, ठीक है, लगा रहे हैं, और उसमें तीव्रता कितनी बची हुई है इसके पास में, 1/4 आई नोट, यानी कि जो तीव्रता है आई वो कितनी बच जाएगी, उसकी अधिकतम की 1/4, ठीक है। तो आई की वैल्यू हम रखते हैं यहां पर, 1/4 आई नोट इज इक्वल टू आई नोट, और ये हो गया आपके पास में cos स्क्वायर थीटा, आई नोट से आई नोट कैंसिल भी हो गया, 1/4 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर अभी आपको
कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इस पर आप उधर अंडर रूट लगा दीजिए, यदि स्क्वायर उठा रहे हैं तो प्लस माइनस ऐसे लिख दें एक बार, ठीक है। तो कॉस थीटा ये हो गया प्लस माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। कॉस कितने डिग्री के लिए वन अपॉन टू वैल्यू होती है 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यानी थीटा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई थीटा इज इक्वल्स टू एक तो आ गई 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री। बट आपको कम से कम घुमाने के लिए पूछा है तो कम से कम कितना घुमाएंगे इसको हम 60 डिग्री, तो कम से कम घुमाने के लिए दूसरे विश्लेषक को हमें 60 डिग्री घुमाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके इस प्रकार से सभी क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इस चैप्टर का यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो दोबारा इसका रिवीजन करें पहले, ठीक है। यदि आपको सभी चैप्टर के सभी फॉर्मूले वगैरह सब याद हैं तो याद होने के पश्चात यदि आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आप अपने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैंने आपको करवा दिए हैं और इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल हैं वो भी इंपॉर्टेंट रखते हैं और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर आता है 2 नंबर का, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें इसके न्यूमेरिकल्स। और कोई आपको कोई प्रॉब्लम है एग्जाम्पल वगैरह में तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।